ब्रॉट यू बाय मेघदूत मधुशून्य। थक गए? मुझे डायबिटीज है। ये लो मेघदूत मधुशून्य, एनर्जेटिक रखता है। अरे वाह, मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बनाओ। भैया यूपी पुलिस की पुलिसिंग तो बेजोड़ है, इनके कारनामों की हर जगह चर्चा होती है, यहाँ तक कि बाकी राज्यों की पुलिस को लोग ये कहते भी होंगे कि अरे कुछ सीख लीजिए यूपी पुलिस से, गुंडा राज खत्म कर दिया है, यहाँ माफिया गिरी करने वालों का इलाज चुटकी में हो जाता है। लेकिन लखीमपुर खीरी जिले की पुलिस कुछ अलग है, या कह सकते हैं एक्स्ट्रा फोकस्ड है। जी हाँ, तभी तो आरोपियों का नाम सुनते ही मुकदमा फौरन दर्ज कर दिया, ये जांच किए बिना कि वो आरोपी जिंदा है या नहीं। दरअसल लखीमपुर खीरी पुलिस ने 4 साल पहले ही मर चुके बुजुर्ग नफीस पर तमंचा लहराते हुए प्लॉट पर कब्जा करने का मुकदमा लिख डाला। इस बात की जानकारी जब नफीस के परिवार को हुई तो उनके होश उड़ गए। आनन फानन में परिवार ने पुलिस अधीक्षक के पास पहुँच कर न्याय की गुहार लगाई। हुआ यूं कि खीरी थाना क्षेत्र के श्यामलाल पुरवा में दो पक्षों के बीच एक धार्मिक स्थल पर दीवार बनाने को लेकर विवाद हो गया। इसमें अनीश गौरी ने शकील और नफीस के खिलाफ एक तहरीर दी कि शकील और नफीस ने तमंचा लहराते हुए अनीश गौरी और उसके दोस्तों की लात घूसे से पिटाई कर दी, जिससे वो बुरी तरीके से घायल हो गए। इस मामले पर खीरी पुलिस थाने के SHO ने आनन फानन में तहरीर पर बिना जांच किए हुए नफीस और शकील पर संगीन धाराओं में मुकदमा लिख डाला। जबकि नफीस जो रामापुर का रहने वाला था, जिससे आरोपी बनाया गया था, उसकी 4 साल पहले ही मौत हो चुकी है। जब मुकदमे के बारे में नफीस की पत्नी कामरू निशा को पता चला तो उसके होश उड़ गए और वो न्याय की मांग करने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंच गए और मृतक नफीस का डेथ सर्टिफिकेट दिखाया। हालांकि पूरे मामले पर एडिशनल SP साहब ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो नाम हटा दिया जाएगा। ये थाना खीरी निवासी अनीस अहमद ने एक प्रार्थना दिया था आकर के, किसके साथ उसके ही मोहल्ले के लोगों ने मारपीट किया है। इस तहरीर के आधार पर, जिस तहरीर में तथ्य थे, उस तथ्य के आधार पर थाने पर FIR लिखी गई। अगर ये उसमें कोई नामित आदमी मृत ऑलरेडी मृत है, पहले से मृत है, तो उसमें पदाधिकारी कर ली जाएगी, विवेचना से नाम निकाल दिया जाएगा। चलिए साहब, इस मामले में अब नाम तो हटा दिया जाएगा, लेकिन ये बात तो माननी ही चाहिए, आखिर कैसे बिना जांच के एक मृत व्यक्ति के खिलाफ, जिसने ऐसे क्राइम से 4 साल पहले ही दुनिया को अलविदा कह दिया है, उसके खिलाफ एक तहरीर पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया गया। ये मामला कहीं ना कहीं यूपी पुलिस की पुलिसिंग पर सवाल उठा रहा है। लखीमपुर खीरी से अभिषेक वर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।